हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज और आ गया मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नहीं दो दो नए रियल इंसिडेंट लेकर जो कि रिलेटेड है ओइजा बोर्ड के साथ जी हाँ ओइजा बोर्ड के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा एक बहुत ही फेमस डिवाइस है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्प्रिट्स से कॉन्टैक्ट करने के लिए एक मीडियम है इसे टॉकिंग बोर्ड भी कहा जाता है और ये माना जाता रहा है कि इसके थ्रू आप अपने डिसीज्ड वन से बात कर सकते हैं या फिर किसी अननोन स्प्रिट जो आपके आसपास पास में हो उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बहुत सारे स्टोरीज इंसिडेंट लोगों ने शेयर किए हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिगार्डिंग ओइजा बोर्ड लेकिन साइंस ओइजा बोर्ड को नहीं मानता है वो ये नहीं मानता है कि एक ऐसा मीडियम इसके थ्रू आप स्पिरिट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो क्या कहता है साइंस क्या कहती है रिसर्च वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आपके साथ दो इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं जब वो इस ओइजा बोर्ड के साथ खेल रहे थे तो आप लोगों का क्या व्यू है क्या ये ओजा बोर्ड काम करता है या फिर नहीं और अगर आपके पास भी ओजा बोर्ड से रिलेटेड कोई स्टोरी है कोई ऐसा इंसिडेंट है जो हॉरिफिक इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं प्रिंस ऑफ केमिस्ट्री ट्वेंटी पर या फिर आप इंस्टा आई डी पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं विच इज प्रिंस एम तो क्या एक्चुअली ओइजा बोर्ड काम करता है आई मैं आपको बताता हूँ ओजा बोर्ड के बारे में कुछ आ, यूनिक इंसिडेंट्स कुछ ऐसी चीजें जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो जब सबसे पहला ओयजा बोर्ड बनाया गया था तो इसका नाम क्या रखा जाए तो जो इसके मेकर्स थे वो बड़े कंफ्यूज थे कि इसका नाम क्या रखा जाए तो उन्होंने सोचा कि अगर ये बोर्ड जो जिस भी तरीके से उन्होंने बनाया कि ये बोर्ड अगर कॉन्टैक्ट कर सकता है स्पिरिट से तो क्यों ना नाम इसका इसी से पूछा जाए तो उन्होंने पूरा सेटअप किया और बोर्ड से उसका नाम पूछा तो बोर्ड ने अपना नाम स्पेल किया ओजा ओ यू आई जे ए जिसका मतलब होता है गुड लक और वहीं से इस बोर्ड का नाम उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस बोर्ड को ओइजा बोर्ड कहेंगे ये बेसिकली यूएस में बनाया गया था और इनके मेकर्स जो थे उनको इस बोर्ड को बाजार में लॉन्च करने से पहले उसका पेटेंट लेना था तो जब पेटेंट की बात आई ये बात है टेंथ ऑफ फेबरी 1891 की आप सोच सकते हैं कितने पुराने टाइम से ये बोर्ड चल रहा है और आज तक भी ये एक बहुत फेमस गेम है जो कि स्प्रिट्स से कॉन्टैक्ट के लिए लोग यूज़ करते हैं खैर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस गेम को खेलें और ये जो दो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूं उनको सुनने के बाद आप डिसाइड करें कि चाहे ये काम करता हो या फिर नहीं करता हो लेकिन आपको ऐसी चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में ना हो तो खैर टेंथ ऑफ फेबरी 1891 में जो पेटेंट ऑफिसर था उसने कहा कि मैं इस बोर्ड को पेटेंट तभी दूंगा जब तुम ये कर दिखाओ कि मेरे सामने काम करेगा तो जो दो मेकर्स थे उन्होंने बोला ठीक है सर तो उसने कहा कि ठीक है तुम इस बोर्ड को मेरे सामने मेरी आंखों के सामने काम करो अगर ये मेरा नाम स्पेल कर देगा तो मैं मान लूंगा कि ये बोर्ड जो है ये काम करता है मैं आपको पहले बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूज़ उन दोनों मेकर्स को उस पेटेंट ऑफिसर का नाम पता नहीं था खैर उसी ऑफिसर के सामने ओइजा बोर्ड ने काम किया उसने उस ऑफिसर का नाम स्पेल करके बताया और उसके बाद वो दिमाग खड़ा हो गई वाकई में काम करते करता उन्होंने मेरा नाम बताया जबकि मैंने इनको नाम नहीं बताया इनको मेरा नाम नहीं पता है और इस तरह से उसने इस बोर्ड को पेटेंट को साइन किया बोला कि अब आप इसे मार्केट में लेके जा सकते हो खैर इसके पीछे भी थियी है कि हो सकता है वो जो दोनों मेकर्स थे ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी से पेटेंट करवाने जा रहे हो तो आप उसका नाम तो पता करते हो वरना उसके ऑफिस में आप मिलने कैसे जाओगे तो ये कहा जाता है कि हो सकता है उनमें से किसी एक को उसका नाम पता हो और उसके सामने उन्होंने उसका नाम और वहाँ पर ओइजा बोर्ड के सामने रिफ्लेक्ट करवा दिया गया फिर बता दिया गया हो सो द पॉइंट इज़ कि फाइनली उनको पेटेंट मिल गया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा इसके बहुत सारे वर्जन आते रहे लेकिन ओइजा बोर्ड यूएस में बहुत हिट हुआ यू एस फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो गया है और आज भी कई लोग ओइजा बोर्ड को मानते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो ओइजा बोर्ड के साथ खेलते भी हैं इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं और आप घर पे भी बना सकते हैं डी वर्जन होते हैं मेकशिफ्ट वर्जन होते हैं आप पेपर के ऊपर बना सकते हैं और खेलते हैं और कई लोगों ने इंडिया में भी और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी ओइजा बोर्ड को ट्राई किया है और उनके अपने अपने एक्सपीरियंसिस हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं चलिए लेकिन साइंस ये कहती है कि जी ये जो आपका ओइजा बोर्ड है ये एक्चुअली एक इफेक्ट पर काम करता है जिसे हम बोलते हैं आइडियो मोटर इफेक्ट अब ये आइडियो मोटर इफेक्ट क्या है देखिए आइडियो मोटर इफेक्ट जो होता है वो आपकी मसल्स का या आपके बॉडी पार्ट्स का अनकॉन्शियस मूवमेंट होता है आप जानते भी नहीं और मूवमेंट हो जाता है <coughs> आप उस मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है और आपको पता लगे बिना भी आपकी मसल्स या आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो वहाँ पर काम कर रही होती है इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं सबसे पहला एग्जाम्पल अगर आपके सर के पीछे कोई बलून फोड़े या एक धमाका हो तो आपकी आँखें अपने आप झमकती है झपकती है आप कितना भी कंट्रोल कर लो आपकी आंख झपकेगी ही झपकेगी दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियो मोटर इफेक्ट उसके अलावा अगर आप एक प्लेन पेपर पे यस और नो लिखें और एक पेंडुलम को ऐसे बीच में ला छोड़ दें और अब आप अपने मन में कोई भी एक क्वेश्चन खुद से पूछे किसी से बोले आपसे वो क्वेश्चन पूछने को जिसका आंसर आपको पता हो आपको यस और नो में आंसर देना है आप चाहे कितना भी कंट्रोल कर लो जो आंसर आपके दिमाग में डोमिनेट करेगा इधर यस और नो पेंडुलम अपने आप अप उधर चला जाएगा आपने अपने हाथ को मूव नहीं किया है यू कैन ट्राई दिस लेकिन स्टिल वो पेंडुलम जो होगा वो इस तरफ मूव करेगा इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने एक स्पिरिट से बात की है कुछ ऐसा ही काम होता है जब आपका ओइजा बोर्ड काम कर रहा होता है तो ये जो ओइजा बोर्ड जब काम करता है तो ये आपका ये जो पॉइंटर है, है ना अगर वाकई में कोई स्पिरिट हो तो ये अपने आप ऐसे मूव करना चाहिए लेकिन ये कभी भी अपने आप ऐसे मूव नहीं करता है जब आप ओइजा बोर्ड से खेल रहे होते हैं तो, तो आप सिंगल पर्सन हो या फिर एक से ज़्यादा लोग होते हैं जो इस पॉइंटर के ऊपर इस तरह से फिंगर रख के बैठते हैं चार्ली चार्ली गेम का भी सेम कंसेप्ट है और जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके सामने पूरा बोर्ड होता है जिसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे होते हैं हर एक चीज़ होती है और आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्वियसली बात है आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप भी उसका एक प्रॉपर एक आंसर होता है आपके पास जिस तरफ आप इंक्लाइंड होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी आंसर को वहां पर रिफ्लेक्ट करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जी यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अपना ही क्वेश्चन का आंसर खुद दे रहे होते हैं और वहां पर वो चीज़ आपके जो मूवमेंट होता है और उससे जो लेटर बनते हैं उसके फॉर्म में आपको दिखाई देती है ना जो वर्ड बनता है उन लेटर्स को कंबाइन करके उसके फॉर्म में आपको दिखाई देती है और इसे हम कहते हैं आइडियो मोटर इफेक्ट और इस चीज़ का प्रॉपर प्रूफ भी है और जो नेट जियोग्राफिक चैनल है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें ओजा बोर्ड काम करता है नहीं वो दिखाया गया था तो जब <coughs> पार्टिसिपेंट्स देख पा रहे थे बोर्ड के लेटर्स को तब <coughs> उन्होंने स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट किया अपने क्वेश्चन पूछे और उनको आंसर्स मिले लेकिन जैसे उनको ब्लाइंड फोल्ड किया गया आंखों पर पट्टी बांधे उनको बिठाया गया अब वो कोई लेटर नहीं देख सकते थे और जब दोबारा उनसे यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करवाया गया तो उनके आंसर्स बड़े रैंडम थे वो इवन एक सिंगल वर्ड भी मैच नहीं कर पाए अगर उनको लगा कि उन्होंने पूछा कि भाई कोई यहाँ पर है तो उन्होंने गेम को स्टार्ट किया यस yes, बट वो यस yes भी स्पेल नहीं कर पाए अगर वहाँ पर कोई स्पिरिट होती और वो इस पॉइंटर को मूव कर रही होती तो चाहे आँखें खुली हो या आँखें बंद हो पॉइंटर बिल्कुल सही जगह पर मूव करना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ एंड हैंस इट वॉज़ प्रूफ दैट ओइजा बोर्ड काम नहीं करते हैं ये सिर्फ एक गेम है और लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसको क्या कर रहे होते हैं मूव कर रहे होते हैं या फिर प्ले कर रहे होते हैं तो क्या जो लोग एक्सपेरिमेंट शेयर करते हैं जो भी लोग अपने एक्सपीरियंसिस uh, शेयर करते हैं रिगार्डिंग वज क्या वो सब गलत है क्या वो सब स्टोरीज उन्होंने बनाई हुई है पता नहीं ये जज करना आपका काम है लेकिन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने दो इंसिडेंट्स जो आपको ये सोचने पर तो मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई ओइजा बोर्ड्स काम करते हैं तो ये मूव करते हैं अपने इंसिडेंट्स की तरफ पहला इंसिडेंट जो है वो है मेरा हमारे साथ शेयर किया है प्राची ने और आई देखते हैं क्या हुआ प्राची के साथ तो ये जो बात है ये आज से करीबन 12-13 साल पुरानी बात है जब प्राची एट्थ क्लास में हुआ करती थी और ये कोलकाता से बिलोंग करती हैं और इनका अपना एक ग्रुप्स था है ना एक वो जो गैंग ऑफ गर्ल्स होती है तो पूरी एक गैंग थी इनकी जिसमें करीबन सात आठ फ्रेंड्स थे और एक दिन बेसिकली प्राची का बर्थडे था तो ये सभी उसी एज के बच्चे जो थे इनकी पूरी जो गैंग थी वो इकट्ठे हुई थी प्राची के घर पर और ये लोग अपने रूम में अंदर जाके खेल रहे थे खेलते खेलते ऐसे ही जब ये सारे के सारे जो थे बेसिकली इनको हॉरर स्टोरीज सुनने में हॉरर मूवीज़ देखने में बड़ा मज़ा आता था और ऐसी बातें चलते चलते अचानक से इनकी इसी की एक फ्रेंड थी इसका नाम हम लोग यहाँ पर वी बोलेंगे जो इन्होंने सजेस्ट किया पूरा नाम हम लिख रहे हैं हो सकता है वी फॉर वेरोनिका हो वी फॉर वर्षा हो कुछ भी हो सकता है बट हम उसको वी बोलेंगे सो so, वी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम लोग ओइजा बोर्ड से खेलें क्योंकि वी इन सब लोगों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इन चीज़ों के अंदर तो उसने ओइजा बोर्ड के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ था और वो खेली उसने वो गेम खेला हुआ भी था एंड शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ओइजा बोर्ड के थ्रू आप स्प्रिट से क्या कर सकते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो प्राची को सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा कि यार पता नहीं खेलना चाहिए नहीं उसकी मतलब उसको ना अच्छी फीलिंग नहीं है तो उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं लेकिन सभी लोगों ने बोला हाँ चलो चलो खेलते हैं कुछ नहीं तो यूँ डरती है तो अब सारे दोस्त बैठ के ऐसा बोल रहे हैं तो आप भी क्या कर सकते हो तो प्राची ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है खेलते हैं तो उन्होंने एक पेपर के ऊपर इस तरह से एक ओजा बोर्ड ड्रॉ किया एक कॉइन लिया पॉइंटर की जगह पर और पूरा सेटअप करके कैंडल्स वगैरह जला के इन्होंने उस गेम को खेलना शुरू किया प्राची और वी ने उस कॉइन को होल्ड किया हुआ था और थोड़ी देर के बाद जैसे उन्होंने गेम स्टार्ट किया उसको थोड़ी देर के बाद और जो वी थी उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या कोई इस रूम में है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कॉइन जो है वो धीरे धीरे से मूव करने लगा तो प्राची थोड़ा जीप से लगा उसको पक्का विश्वास था है ना प्राची ने सिर्फ और सिर्फ कॉइन के ऊपर थी और उसे पूरा विश्वास था कि वी जो है वो इस कॉइन को मूव कर रही है उसने वी की तरफ देखा और उससे पूछा इस कॉइन को तू मूव करी ना उसने बोला नहीं नहीं मैं इस कॉइन को बिल्कुल मूव नहीं करी तो देख सकती है है ना और वो कॉइन अपने आप मूव ऐसे हिलने लगा तो वी ने क्वेश्चन पूछा स्पिरिट से कि हमारी लाइफ में क्या आने वाला है जैसे उसने क्वेश्चन पूछा उसके बाद वो कॉइन मूव करना शुरू हुआ और सारे लेटर्स कनेक्ट करने के बाद वर्ड बना चेंज प्राची को बहुत तस्ट डर लगा उसने बोला कि वी बंद कर इस गेम को मुझे नहीं खेलना है वो बहुत बुध डर गई थी तो उन्होंने वो समझे उसने सोचा कि पहली बार खेली हो उसका डर गई हो तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ठीक है फिर उन्होंने गुड बाय बोला और गेम को बंद कर दिया बंद करने के बाद अगले एक मिनट तक रूम में बिल्कुल सन्नाटा था तभी तो अचानक से उनका घर उनका दरवाज़ा जो रूम का गेट था वो बसता धड़ धड़ थड़ उठर जाते एकदम से लेकिन रूम के बाहर प्राची की मम्मी थी जो बोली थी कि बेटा आप आ जाओ केक काट लो सब लोग आ गए हैं और इस तरह से वो सारे के सारे फ्रेंड्स वहाँ से उठी और चली गई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ नॉर्मल गेम था गेम खत्म हो गया और उस दिन के बाद से ऐसा सच उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया वो नॉर्मली चल रहा था फिर कुछ दिनों बाद ही उस टाइम दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ चल रही थी आप जानते हैं बंगाल के अंदर तो दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ होती है तो दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ चल रही थी और एक दिन वापस से ये सभी जो फ्रेंड्स थे ये सब इकट्ठे हुए वी के घर पर लेकिन इस बार ये सातों के सातों नहीं थे इनमें से सिर्फ चार लोग ही वी के घर पे इकट्ठा हुए थे और ये लोग खेल रहे थे फिर से वही इनकी स्पूकी बातें शुरू हुई और इस बार वी ने सजेस्ट किया कि चलो वापस से एक बार अजा बोर्ड का गेम खेलते हैं प्राची का पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था वो पहले से डर गई थी और वो इस गेम को नहीं खेलना चाहते उसने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई मैं अविजा बोर्ड से नहीं खेलूँगी लेकिन बाकी सभी जो दोस्त थे तीनों दोस्त उन्होंने बोला कि हाँ यार गेम खेलते मज़ा आएगा अवजा बोर्ड से किसी ने स्प्रिट से कॉन्टैक्ट होगा ये है वो ये तो ऐसे ही फट्टू है डरती है ये वो बहुत सारी चीज़ उन्होंने बोली तो भाई पीयर प्रेशर है ना गेहूं के साथ कभी कभी क्या होता है घुन तो पिसे जाता है तो यहाँ पर घुन जो था वो थी प्राची जो ना चाहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के प्रेशर की वजह से उसको ये गेम खेलना पड़ा उसे पहले से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और शायद यही रीज़न था कि थिंग्स वेंट रॉन्ग विद दैम तो खैर इस बार उन्होंने पेपर पर पे ओजा बोर्ड नहीं बनाया इस बार वी के पास एक ओरिजिनल ओइजा बोर्ड था क्योंकि वो पहले से इन सब चीज़ों पर बहुत रिसर्च किया हुआ था उसने और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इन चीज़ों के अंदर तो उसने एक ओइजा बोर्ड ख़रीदा हुआ था और उसको छुपा के रखा हुआ था तो उन्होंने ओइजा बोर्ड निकाला चारों तरफ कैंडल जलाई और उसके बाद इन्होंने इस गेम को खेलना शुरू किया और वो स्पिरिट से सवाल करने लगे क्या इस रूम में कोई है जो हमसे बात करना चाहता है क्वेश्चन पूछने के थोड़ी देर बाद ही अचानक से उस रूम का रूम के अंदर ऑब्वियसली लाइट जल रही थी बट ऐसा लग रहा था कि रूम में बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है मतलब वो लोग का जो मेंटल स्टेट था बिल्कुल अलग से चेंज हो गया है रूम की जो एयर थी वो एकदम से बहुत ज़्यादा डेंस हो गई जैसे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई वो आप सफोकेट हो रहे हूँ और रूम का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया ऑल ये अक्टूबर का महीना था लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद बर्फ़ गिरने वाली है एकदम से रूम का टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो गया बिल्कुल ऐसा लगता रूम फ्रीज होने वाला है और अचानक से वो जो प्लानचेट था वो हिलने लगा चारों के चारों लड़कियों के जो हाथ थे वो उस प्लानचिट के ऊपर थे और वो जो प्लैंचेट था वो अपने आप मूव करना शुरू हो गया उसके ऊपर बहुत हाई प्रेशर आ चुका था लगा था कि कोई बहुत तेज़ वहाँ पर प्रेस कर रहा है और जब प्राची ने वी की तरफ देखा तो वी बहुत तेज दर्द में चिल्ला रही थी बहुत तेज सब लोग समझते थे कि वी चिल्ला क्यों रही है और वो अपनी फिंगर उठा के प्लानचिट से हटाना चाह रही थी लेकिन वो उसको हटा नहीं पा रही थी वो जो पॉइंटर था वो पॉइंटर एक जगह पर फंस गया था और कोई भी चाहकर अपनी उंगली वहाँ से उठा नहीं पा रहा ऐसा लगता कि बहुत हाई प्रेशर उस पॉइंटर के ऊपर काम कर रहा है और इधर वी जो थी वो बहुत तेज़ दर्द में चिल्ला रही थी जैसे कोई उसे मार रहा हो या है ना कोई जैसे उसको कुछ चुभ रहा हो बहुत तेज उसको दर्द हो रहा था तभी अचानक उन सब लोगों की आंखों के सामने उनको वी की जो फोरआम थी उसके ऊपर तीन स्क्रैचेस दिखाई दिए जैसे नील्स के स्क्रैच होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप नहीं थे लेकिन वो क्लियर था किसी ने अपने नाखूनों से उसके फोराम को क्या किया हो स्क्रैच किया हो वो सभी लोग बुरी तरह से डर गए प्राची वी को देख रही थी वी की आंखें एकदम से चेंज हो चुकी थी उसका चेहरा बिल्कुल बिल्कुल वाइट पड़ चुका था और आंखें हो थी बिल्कुल लाइफलेस आंखें हों और इधर प्राची को डर लग रहा था हे hey, भगवान मैं कहाँ फंस गई मैं तो पहले इस गेम को नहीं खेल देते उसने फटाफट से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और उसकी मम्मी ने उसको एक मंत्र सिखाया हुआ था वो मंत्र उसने लगातार बोलना शुरू किया और धीरे 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 एकदम से रूम का एटमोसफियर वापस से चेंज हुआ वो लोग वापस से अपना हाथ मूव कर सकते थे उन लोगों को समझ में नहीं आया उन्होंने फटाफट से गुड बाय किया और उसके बाद गेम को बंद किया और जैसे ही प्राची ने वी की तरफ देखा उसे कुछ बदला बदला नजर आता मतलब वी वॉज नॉट नौर्म, नॉर्मल जैसा पहले था वो वैसी नहीं थी उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी होती लाइफलेस इमोशनलेस शायद वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी उन्होंने फटाफट से उसके हाथ को देखा उसके ऊपर थोड़ा क्रीम वगैरह लगाया क्योंकि कट्स क्यों नहीं थे सिर्फ स्क्रैच था जो नाखून से आप करते हो लेकिन ये इंसिडेंट या जो ये एक्सपीरियंस था इनके लिए बहुत हारफिक था इसके बाद उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है वापस से लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था लेकिन जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ये चीज़ें कभी भी अपना इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं देती हैं और कभी अगर ऐसा होता है जब ऐसी एंटिटीज लैच हो जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कुछ दिखाई देगा आपकी लाइफ के अंदर जो सब कुछ ठीक चल रहा था वो बिगड़ना शुरू हो जाता है कुछ ऐसा ही हुआ इन चारों के साथ इन चारों के बीच में आपस में अपने आप ही झगड़े होने लगे बिना बात पर लोग लड़ लिया करते थे सबसे बुरी हालत थी वी की जो कि उन्हें सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया करती थी वो बिल्कुल शांत से रहने लगी बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगी कभी वो उनको पहचानती थी और कभी उनको ऐसे देखा थी उनको पहली बार देख रही है वी अब वी नहीं रही थी घर वालों से भी उसका बहुत अजीब सा बिहेवियर था और सी को लेकर उसका इलाज करवाया गया कई बार साइकेट्रिस्ट के साथ उसके सेशंस हुए इसी के साथ साथ प्राची की लाइफ में बहुत सारे चेंजेज आने लगे अचानक से रात को हर रोज़ रात को तीन बजे उसकी आँख खुलने लगी और उसे अजीब सा फील होने लगा कि सै उसके साथ में कोई है बड़ी मुश्किल से वो सोया करती थी धीरे धीरे वो इस फेज से बाहर आई लेकिन फिर भी उसकी फैमिली के अंदर झगड़े होना है ना अच्छे खासे आदमी का एक्सीडेंट हो जाना उसकी फैमिली के अंदर चार हेल्दी लोग बिना किसी उसके डेथ हो गई सिर्फ कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं लेकिन एक्सीडेंट हो गया या फिर एकदम से हार्ट अटैक आ गया इस तरह से उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारे है ना नेगेटिव चीज़ें होने लगी जिनको वो आज तक रिग्रेट करती है प्राची कभी भी ये गेम खेलना नहीं चाहती थी लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों के प्रेशर की वजह से उसको ये गेम खेलना पड़ा और उस गेम के कॉन्सिक्वेंस उसकी लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ आए उस एक इंसिडेंट ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया और वो आज तक भी रिग्रेट करती है और प्राची ने साफ साफ कहा है अपने मेल के अंदर मुझसे कि मैं आप सभी लोगों को ये बताऊं कि चाहे ये चीज़ें आप सच मानो या ना मानो अगर आपको इतना शौक है एक्सप्लोर करने का तो मूवीज़ देख लो मेरे चैनल पे आके आप स्टोरी सुन लो बुक्स पढ़ लो लेकिन इन चीज़ों को ट्राई ना करें हो सकता है आपके आपको कुछ ना मिले आपको कुछ ना हो बट अगर कुछ हो गया तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है सेम लेसन प्राची ने सीखा और उसने ये सजेस्ट किया है कि ये चीज़ें आप बिल्कुल ट्राई ना करें दुनिया में और भी चीज़ें हैं बहुत सारी एक्सप्लोर करने को आप उन्हें एक्सप्लोर करें क्योंकि अगर आपके साथ ये एंटिटीज लैच हो गई या आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई तो आपकी लाइफ हंसती खेलती ज़िंदगी जो होती है वो बिल्कुल डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाती है और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड से घूमते हो तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ को कैसे लेकर चलना है देर आर मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पर लोगों ने ट्राई किया और उनकी लाइफ रून हो गई हमारा जो अगला इंसिडेंट है वो हमारे साथ शेयर किया है कुलदीप ने और ये भी बंगाल से ही है वही लग रहा है बंगाल वाले लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा भूतों से खेलने में विश्वास रखते हैं ना ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो यहाँ पर जो कुलदीप थे वो बंगाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर थे और इंटर्नशिप के लिए ये गए थे जमशेदपुर टाटा मोटर्स के अंदर ओवरऑल यहाँ पर इनका 24 लोगों का ग्रुप था इन 24 लोगों का ग्रुप जो था वो पहली बार बाहर गया था अपने पेरेंट्स से दूर मतलब वहाँ पे पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं था तो मतलब बेसिकली फ्रीडम मिल गई थी उनको तो ये लोग पहुँचे थे जमशेदपुर में अपनी इंटर्नशिप करने और वहाँ पर एक होटल में इनको रूम्स अलाट हुए तो टोटल चौबीस लोग थे और बारह रूम इनको अलाट हुए लेकिन ऐसा नहीं था कि हर रूम में दो दो लोग थे रूम्स इनको अलाट हुए थे कुछ इस तरह से कि इन चौबीस लोगों में से नौ लोग जो थे वो बंगाली थे और बाकी जो थे वो नॉन बंगालीज थे तो बेसिकली इन ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया था नो बंगाली लोग और बाकी के जो आपके फिफ्टीन लोग थे वो सब क्या थे आपके नॉन बंगालीज थे तो जो बंगालीज लोगों का ग्रुप था ये इनका रूटीन बन चुका था रोज़ रात को ये बैठा करते थे और एक या दो हॉरर मूवीज़ देखा करते ही करते थे तो शुरुआत के दो तीन दिन का रूटीन चला इंटर्नशिप करीबन एक महीने के आसपास की होती है है जिन लोगों ने किए वो जानते हैं जो करने वाले हैं उन्होंने भी इसका पता कर लिया होगा तो शुरू के दो तीन दिन तो इन्होंने मूवीज़ देख निपटाया लेकिन उसके बाद इनको बोरियत से फील लगी तो इन्हीं दोस्तों के ग्रुप में से किसी ने सजेस्ट किया कि यार क्यों ना हम लोग ओइजा बोर्ड से खेलें तो सभी लोगों को लगा हाँ ये आइडिया अच्छा है क्यों ना हम लोग ओइजा बोर्ड देखें पता भी लग जाएगा कि ओइजा बोर्ड काम करता है या फिर नहीं और मज़ा भी आएगा तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि कल रात को हम लोग ओइजा बोर्ड से खेलेंगे अब उन्होंने पता किया मार्केट में जा करके के ओइजा बोर्ड मिल सकता है क्या ढूंढा उन्होंने तो वहाँ उस टाइम पर ओइज़ा बोर्ड जो मिल रहा था तीन चार हज़ार रुपये का मिल रहा था और कोई भी इतना पैसा स्पेंड नहीं करना चाहता था ऑब्वियसली बात है कॉलेज टाइम में कौन इतना पैसा स्पेंड करेगा वो भी ओइजा बोर्ड के ऊपर तो उन्होंने नेट पर ढूंढा गूगल किया कि क्या कोई जो होम मेड या जो डी आई वाई ओजा बोर्ड्स होते हैं क्या वो काम करते हैं उन्होंने पूरी प्रॉपर रिसर्च की कि वो काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं पूरे सारे उन्होंने रूल्स लिखे फिर उसके बाद उन्होंने एक ओइजा बोर्ड बनाया पूरा प्रोसीजर उन्होंने देखा मार्केट से जाके वो ब्लैक कलर की कैंडल्स लेकर आए उन्होंने कहीं पे पढ़ा भी था कि जब आप ओइजा बोर्ड से खेल रहे हो तो आपको अपने साथ सॉल्ट भी रखना चाहिए ताकि अगर कोई डेमिनिक स्पिरिट आ गई तो वो आपको हार्म नहीं करेगी तो सारे रूल्स अच्छे से पढ़ने और पूरी रिसर्च करने के बाद उन्होंने फाइनली है ना उनको इस काम में लिटरली चार से पाँच दिन लगे सारा कुछ करने के अंदर और इसी प्रोसेस के दौरान दो लोगों ने बैकआउट कर दिया कि भाई हमको तो डर लग रहा है पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए तो हम तो ये गेम नहीं खेलेंगे तुम लोगों को खेलना है तुम लोग खेल लो तो उनको भी लगा कि नौ में से चलो दो लोगों ने बैकआउट किया है है ना तो अगर कुछ होता भी बाई चांस तो दो लोग तो ऐसे होंगे जो इस गेम के पार्टिसिपेंट नहीं होंगे और अगर बाई चांस कुछ गलत होता है तो जो लोग यहाँ पर है उनको वो संभाल भी सकते हैं तो भाई सात लोग पहुँचते हैं गेम खेलने सारा सेटअप होता है और फाइनली डिसाइड ये जाता है कि सात में सिर्फ तीन लोग इस गेम को खेलेंगे और चार लोग जो होंगे वो बैकअप की तरह रहेंगे कि बाय चांस अगर कुछ गलत होता है को कंट्रोल करने की वहाँ पर कोशिश की जाए तो सारा सेटअप किया गया कैंडल्स जलाई गई रात को तीन बजे वो पहुँचते हैं होटल की छत के ऊपर और वहाँ पर क्योंकि जहाँ भी उन्होंने पढ़ा तो सजेस्ट था कि रात को अगर आप तीन बजे खेलोगे तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके कॉन्टैक्ट करने के तो रात को तीन बजे सभी लोग पहुँचते हैं और ये गेम खेलना शुरू करते हैं तीनों लोग उस पॉइंटर के ऊपर अपनी उंगली रखते हैं और स्टार्ट करते हैं गेम को और पूछते हैं एक कुकी को क्योंकि कोने आत्मा अच्छे जो हमारे साथ जोग करते इच्छुक मेरी बेंगली इतनी अच्छी नहीं है बट उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसी कोई आत्मा है जो हमसे बात करना चाहती है नो no रिस्पॉन्स उन्हें किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उन्होंने इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया बट दर वॉज कोई मोमेंट नहीं था पॉइंटर का कोई मोमेंट वहाँ पर नहीं था दैट मीन्स उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और उसके बाद उन्होंने वाइंड अप किया चीज़ों को गुड बाय बोला उसके बाद वाइंड अप किया आज उनका जो था उसने किसी स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बिठाया जहां भी उन्होंने चीजें रूल्स पढ़ी थी तो उसके साथ लिखा होता है कि ऐसा नहीं कि पहली बार में आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपको चीजों को बार बार ट्राई करना होगा तो so, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था एलेवंथ ऑफ फेबरी को ठीक है उसके बाद ट्वेल्थ फेबर थर्टीन फेबर पिछली बार जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था चार कैंडल लेकर आए थे इस बार ये आठ कैंडल लेकर आए नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे बारह कैंडल्स लेकर आए और हर बार रात को तीन बजे बैठ कर ही वो एक्सपेरिमेंट करते ओजा बोर्ड से सारा सेटअप करते लेकिन इन्हें कोई किसी स्पिरिट ने से कॉन्टैक्ट नहीं किया देर वर नो रिज़ल्ट तो बाकी लोग बोले थे भाई बकवास है कुछ काम नहीं करता है तुम लोग फालतू में अपना पैसा वेस्ट करो कैंडल्स के ऊपर बंद करो ये सब तो कई लोग सभी लोगों को लगे हाँ ये काम तो कर नहीं रहा है, है ना सब बकवास है ये बोतले रोग फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है हम कुछ और छोड़ रहे हों तो उन्होंने और सर्च किया तो कोरा पर उनको एक आंसर मिला कि यू हैव टू कीप ट्राइंग मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार के अंदर ही इससे कोई कॉन्टैक्ट हो जाता है बहुत रेयर ऐसा होता है फिर इनका जो एक फ्रेंड था उसने अपने एक दूसरे फ्रेंड को कॉल किया जो कि बेसिकली ये पैरानॉम इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व था तो उसने इनको सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो एक इलेक्ट्रिक शॉप से ना एक ई मीटर खरीद के लाओ उससे तुम्हारे कॉन्टेक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हें पता भी रहेगा कि कोई यहाँ पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ठीक है तो लोगों सभी लोगों ने मिलकर एक ई मीटर खरीदा और आज फिर रात को ये लोग बैठ गए वापस से अपना ओइजा बोर्ड सेटअप करके तो इस बार जैसे ही उन्होंने ई एम एफ बोर्ड के पास रखा और उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किए तो जैसे ही वो कोई क्वेश्चन पूछते ऑल दो पॉइंटर तो मूव नहीं कर रहा था लेकिन जो ई मीटर था वो एकदम से रेड हो रहा था उसकी जो बार्स थी वो डिटेक्ट कर रही थी कोई ना कोई यहाँ पर बेसिकली uh, रेडिएशन है या एनर्जी है जो उससे इंटरफेयर कर रही है थोड़ी देर तक वो होता और फिर एकदम से वापस बंद हो जाता फिर वो कोई क्वेश्चन पूछते वापस अचानक से एफ मीटर फिर से फुल रेड होता फिर वापस से बंद हो जाता तो थोड़ा थोड़ा उन लोगों को डर भी लगने लग गया था और साथ ही साथ उन लोगों को कुछ ऐसा फील भी हो रहा था कि उनके साथ उनको कोई और देख रहा है उनकी जो सिक्स सेंस थी उनको बता रही थी कोई ना कोई और यहाँ पर है जो उनको कॉन्स्टेंटली देख रहा है उनके साथ खड़ा हुआ है खैर वो रीज़न हो भी सकता है कि ईम मीटर उनके सामने था तो बार बार स्पाइक कर रहा था उनको लग रहा था कि है ना वो एक आपका माइंड जो है वो ट्रक तो प्ले करता है फिर कि आपको प्रेजेंस फील होने लग गई थी जैसे उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा सेम कि कोई है जो हमसे यहाँ पे बात करना चाहता है अचानक से पूरे होटल की लाइट गायब हो गई हो सकता है पावर कट हो गया हो लेकिन एकदम से आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और लाइट जाने के अगले तीन चार मिनट तक लाइट बिल्कुल भी नहीं आई सभी के सभी जो दोस्त थे वो से डर रहे थे कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है बट जो पॉइंटर था वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ था बस एकदम से होटल की जो लाइट थी वो गायब हो गई थी लेकिन उसके थोड़ी देर बाद अचानक से जो तीन लोग बूढ़ से खेल रहे थे उनके सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा वो इतना तेज़ दर्द उनके लिए अनबेरेबल वो दर्द था सिर का और फटाफट से बोला भाई बहुत तेज़ सिर दुख रहा है बंद करते हैं और बंद करने से पहले वो लोग गुड बाय बोलना भूल गए उन्होंने फटाफट से उसको वाइंड अप किया और सीधे अपने रूम में गए बुरी तरह से उनका सिर दुखने लगा ऑलमोस्ट पूरी रात उनका सिर दुखा उन्होंने दवाई ली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और सुबह जब वो लोग सो के उठे तो जो तीन लोग उस गेम को खेल रहे थे उनमें से एक को खून की उल्टियाँ होना शुरू हो गई और बाकी दो लोगों को बहुत हाई फीवर आ गया था उन लोगों का समझ में नहीं आ रहा था लेकिन उनको ये लग रहा था कि जो कल रात को उन्होंने गलती की है उसी की वजह से उनको ये हो रहा है उनको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें है ना यंग बॉयज़ थे और वहाँ दूसरे शहर के अंदर थे उन्होंने कुछ समझ नहीं। में नहीं आया उसी जगह होटल मैनेजर के पास उन्होंने बताया कि सर ऐसे रात को हम लोगों ने नोजा बोर्ड से खेला तो खुद के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ कि क्या बकवास करो तुम लोग ये तुम लोग ये करने आओ यहाँ पर तुम्हारी इंटर्नशिप करने हो बहुत सारे उनके साथ वो हुई फिर उसने कहा कि ठीक है तुम एक काम करो यहाँ पास में मंदिर है वहाँ पर जाओ पुजारी के पास और उनसे बात करो तो वो लोग वहाँ गए पुजारी जी ने को उन्होंने बताया कि ये सब हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो ठीक है तुम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए ठीक है तुम उन्होंने एक एक सेज दिया उनको कि इसको जला के पूरे कमरे पूरे में पूरे होटल में जहाँ जहाँ तुम गए हो वहाँ पर घुमाना जहाँ छत पे तुम गए थे वहाँ पर घुमाना उनको एक धागा दिया बांधने को उनको सजेस्ट किया कि देखो तुम जो कर रहे थे शायद है ना वो एक छोटे बच्चे की आत्मा थी है ना तुम लक्की हो कि वहाँ पर कोई ख़तरनाक स्पिरिट नहीं आई वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था ठीक है तुम लोग नई जनरेशन के लोग हो तुम लोग जिस मानते नहीं हो ठीक है और एडवेंचर के तुम ये सब गेम खेलते हो लेकिन एक्चुअली तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता था यहाँ पे जो कुलदीप है वो फिर से जैसे प्राचीन आपको सजेस्ट किया वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि उस दिन कुछ भी हो सकता था इनके साथ इन्होंने इसको एज अ गेम लिया था वो नहीं जानते थे कि ऐसा भी कुछ होता है या हो सकता है ये खुद इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे ठीक है और करना भी नहीं चाहिए ठीक है देर इज़ साइंस हु इज़ बैकिंग अप बट स्टिल यू डोंट नो आप इनको घोस्ट बोल लो स्पिरिट बोल लो ये कुलदीप के वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को कम्युनिकेट हूँ, जो चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप चाहे इन्हें घोस्ट बोल लो चाहे स्पिरिट बोल लो चाहे नेगेटिव एनर्जी बोल लो आप कुछ भी बोल लो ठीक है और कुलदीप ये रहा है कि आप चाहे इस बात विश्वास करो या ना करो क्योंकि विश्वास सिर्फ उन लोगों को होता है जो उस सेम सिचुएशन के अंदर होते हैं जिन्होंने इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया हुआ हो लेकिन अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आपको इन गेम से दूर रहना चाहिए तो मैं भी अपने सारे व्यूअर्स और सारे सब्सक्राइबर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि अगेन मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया और शायद मैं कभी ट्राई करूँगा भी नहीं ठीक है देर इज़ अ लिमिट जो हम लोगों को हमेशा रखनी चाहिए आप इनके बारे में सुनो इनके बारे में पढ़ो जानो एन्जॉय करो है ना मूवीज़ देखो

कि अगर बाई चांस कभी ऐसी स्पिरिट वापस भी आती है तो इट विल नॉट बी द सेम पर्सन जिनके जिनको आप ढूंढ रहे हो इट चेंजेस सो दे आर नॉट द सेम और ये आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है इसलिए ओइजा बोर्ड या ऐसा कोई भी जो दूसरा गेम है जो ये आपको सिखाता है समझाता है कि आप इसके थ्रू किसी स्पिरिट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो हो सकता है ऐसा कोई एक गेट बन जाता हो या हो सकता है ऐसा कोई मीडियम बन जाता हो जिनके थ्रू वो कम्युनिकेशन हो सकता हो तो उनको बुलाना आपके हाथ में है लेकिन उनको भेजना आपके हाथ में नहीं है सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हैं ऊर्जा बोर्ड के बारे में ये काम करता है या फिर नहीं करता है और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इंसिडेंट सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ कीप लिसनिंग कीप लविंग हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में अपनी अगली कहानी के साथ